आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो हमें जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बतानी है, उसका आवर्धन बताना है और उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो वस्तु है, ठीक है, वो कितना दूरी पे रखी गई है, जो हमारे पास उत्तल दर्पण है उसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये कोई हमारे पास में वस्तु हो गई, ठीक है, ये वस्तु हो गई हमारे पास में, ठीक है। और इसको कहाँ पे रखा गया है, जो उत्तल दर्पण उसके सामने रखा गया है। और कितनी दूरी पे रखा गया है इसको, इसको रखा गया हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे जो ध्रुव है उससे क्या दूरी होगी इसकी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पे इसका आरेख बना लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे प्रकाशी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इसके ऊपर ऐसे आपतित की, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा हमारे पास में, ये जो फोकस है उससे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये जो प्रकाशी किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात जो फोकस है उससे ऐसे आती हुई प्रतीत होगी हमें, ये कुछ इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होगी, आपतित हुई उसके बाद में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर हमारे पास में दूसरी एक प्रकाशी किरण है जिसको हम ये जो हमारे पास में उत्तल दर्पण है उसके ऊपर अभिलंबवत यहाँ पे इसके ऊपर गिराए, ठीक है। अभिलंबवत मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रकाशी किरण होगी हमारे पास में वो क्या होगी, इसके जो यहाँ पे केंद्रक है उससे गुजरेगी। हमें पता है कि जो हमारे पास में कोई भी गोला होता है उसके ऊपर, या फिर अगर मैं यहाँ पे वृत्त की बात कर लूँ, वो भी हमारे पास में क्या होता है कि उसके ऊपर जो लंब होता है उसके केंद्रक से गुजरता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रकाशी किरण इसके हमारे पास में जो क्या होता है, हमारे पास जो अभिलंबवत हमारे पास जो सी से दिशा में अगर मैं इसको इसके ऊपर आपतन करूंगा तो ये परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पे लौट जाएगी। तो हमें दिख रहा है ये जो दो परावर्तित हमारे पास किरण है, एक ही हमारे पास परावर्तित किरण है, दूसरी ये हमारे पास में आपतित और परावर्तित एक ही होगी इसी केस में, तो ये परावर्तित किरण होगी। तो दोनों क्या हो रही है, वास्तविकता में एक दूसरे से अपसरित हो रही, किसी बिंदु पे मिल नहीं रही है, तो इनको पीछे बढ़ाने पे वो हमारे पास ओ और एफ के बीच में कुछ इस प्रकार से हमें इसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है हमारे पास में उसको हम सीधा देख सकते हैं यहाँ पे आरेख से, और हमें पता भी है कि उत्तल दर्पण की हमारे पास स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। पहली बात, वो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो परावर्तित किरण है वास्तव में किसी बिंदु पे क्या कर रही है, वो कट नहीं कर रही है, किसी बिंदु पे मिल नहीं रही है, यहाँ पे हमने मिलाया तभी वो क्या कर रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये हमारे पास कैसी हो गई, आभासी हो गया प्रतिबिंब। वस्तु से कैसा हो गया, छोटा प्रतिबिंब होगा, आभासी हो गया हमारे पास में, वस्तु से छोटा हो गया और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे सीधा। तो ये हमारे पास में जो प्रकृति है वो हमने यहाँ पे देख ली, और हमें पता ही है कि हमारे पास जब उत्तल दर्पण होता है तो इसकी स्थिति में चाहे जो वस्तु उसको कहीं पे भी रखा जाए तो हमारे पास प्रकृति होगी, हमारे पास जो प्रतिबिंब की वो आभासी होगी, छोटा होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। अब हम जो स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो स्थिति है हमारे पास में वो कितनी आएगी, ये जो स्थिति है इसको मैं यहाँ पे V बोल देता हूँ, क्योंकि ये किसकी है, हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में हमारे पास जो इसकी फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की वो दे रखी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है हमारे पास में, धनात्मक होती है, तो आ जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास में जो दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पे, तो यू हमारे पास में क्या जाएगा, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर इसके मैं यहाँ पे चिन्ह की बात करूंगा तो यहाँ से इस दिशा में हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास जो बाएं से दाएं दिशा की तरफ हमारे पास प्रकाश किरण जा रही है, और हम हमारे पास जो दूरी माप रहे हैं 5, वो किस दिशा में माप रहे हैं, जो प्रकाश के अंदर हमारे पास जो दाएं साइड है उससे बाएं साइड की तरफ माप रहे हैं, मतलब इधर हमारे पास प्रकाश किरण आ रही है और हम जो दूरी माप रहे हैं उसके उल्टी दिशा में माप रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर प्रकाश किरण जा रही है उसकी उल्टी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, दूरी को यहाँ पे माप रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जो दूरी आएगी वो कैसी आएगी, यहाँ पे ऋणात्मक दूरी आएगी। दूरी हमारे पास में कैसी होगी, यहाँ पे ऋणात्मक होगी। तो अब यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से मेरे को क्या मिलेगा, दर्पण सूत्र से मिलेगा कि 1/f = 1/v + 1/u।
तो चिन्ह के साथ में एफ यू की मैं यहाँ पे मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 प्लस, सॉरी 1/10 बराबर 1/, जो v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/ u का मान कितना है -5, तो यहाँ से हमारे पास में 1/v का मान क्या आएगा, वो आएगा 1/10 प्लस 1/5, यहाँ पे अगर लघुत्तम मैंने कितना ले लिया 10 लघुत्तम आ गया हमारे पास में, तो आ जाएगा 1 और 5 का 10 में भाग 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, तो हमारे पास क्या आएगा 3/10। अब यहाँ से अगर मैं v का मान देखूँ कि v का मान कितना आएगा, तो v का मान आ जाएगा, हो जाएगा 10/3, वो सारी हमारे पास जो लंबाई है सेंटीमीटर में आपकी, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इसको हल किया तो हमारे पास जो v का मान आएगा वो आएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो ध्रुव है उसके सापेक्ष में हमारे पास जो प्रतिबिंब उसकी स्थिति आ जाएगी, और ये धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, जो ध्रुव है हमारे पास में उससे हमने क्या किया है, दाई तरफ हमने दूरी है वो मानी है, तो ये दूरी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 3.33 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमारे पास में आवर्धन का पूछा कि आवर्धन कितना होगा, तो जो आवर्धन है हमारे पास में, आवर्धन है उसका सूत्र हमारे पास में क्या होता है, एम से दिखाते हैं, यह होता है हमारे पास में ऋणात्मक का v/u, तो यहाँ पे ऋणात्मक का v और u को हमें चिन्ह के साथ में रखना है, तो v का मान कितना है, यह 3.33 बट्टे हमारे पास में जो u है उसका मान कितना है, वो हमारे पास में यहाँ पे ऋणात्मक का 5, तो ऋणात्मक ऋणात्मक कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10.66। हमारे पास जो आवर्धन m है उसका मान कितना हो जाएगा, 10.66 हो जाएगा, तो ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। हमने क्या करना है इस प्रश्न में, हमने इस प्रश्न में दो चीज ज्ञात करनी है, पहली हमारे पास जो v है कि हमारे पास जो स्थिति है प्रतिबिंब की वो कितनी आ गई, वो आ गई 3.33 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ध्रुव है उससे दाई तरफ है, और जो m है आवर्धन उसका मान कितना हो गया हमारे पास में, आवर्धन का मान हो गया 10.66 हमारे पास में हो गया, तो ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर जो स्थिति की बात, प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति हमने पहले देख ली थी, प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, और जो छोटे वाली बात हम आवर्धन से भी देख सकते हैं, आवर्धन हमारा 1 से कम है, मतलब जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।